ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूत। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है या 2023 मतलब समझी एक चुनावी अखाड़ा के साल है। यह चुनावी अखाड़ा सीधे तौर पर समझी कि एमा कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति यदि बात की जाए तो करो या मरो के है। भाजपा अपन मजबूत अंगत की तरह पैर जमाए रखे चाहती, ओहिन थे कांग्रेस अपने आप का सत्ता में फिर से एक मजबूत तरीके से स्थापित करे चाहती। दोनों जद्दोजहद में लगे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, जो ने माँ एक अहम सीट ही सीधी के सिहावल, सीधी जिला के अंदर सिहावल विधानसभा सीट, जहाँ अपना का बताया दी कि लगातार यदि कांग्रेस और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को जनता मौका दी सो कांग्रेसों को मौका दी। बड़ी उम्मीद करी, कौ उम्मीदन पर खरा उतरा, कौ उम्मीदन पर खरा नहीं उतरा। जनता सबका जो है उसरी पारा मौका तो दिहिस, लेकिन कुछ अब बाकी जो जनता कह रही है कि अब मौका के का दी। बहुत सारे सवाल हैं और अब यह चुनावी यात्रा चल रही है MP संदेश बघेली न्यूज चैनल के। सबसे बड़ी बात की यात्रा की यदि बात की जाए तो कांग्रेस से कहे भारत जोड़ो यात्रा कह रही है, भाजपा एक कई विकास यात्रा कह रही है, कुल मिलाई के यात्रा वह में अब हमारा जारी है। और यह चुनाव यात्रा में आज अपना का हम मुखातिब कराऊ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक जी से। विश्वामित्र पाठक के बड़ा नाम, विंद के सियासत में बड़ा नाम और बड़ा उलटफेर करे वाला नाम, अपना का बहुत परिचय के केहू के मोहताज नहीं आई। तब वो अपना का बताया दी बीते चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में अपना का टिकट नहीं मिली, वो अपना के द्वारा एक बड़ा कड़ा फैसला लीन का, वो दौरान निर्दलीय उम्मीदवारी से अपना ताल ठोकिन और दिखाए दीहीन कि अपन जन कितने हैं, कितने जन के अपना जो है प्रतिनिधित्व करा थे। एक बड़ा आंकड़ा सामने आवा जो सबका चौकाधीश और अंततः विवश है भाजपा की फिर से अब अपना भाजपा में फिर से सदस्यता ग्रहण करी। हालांकि अपना कहा थे कि हम कबो छोड़े नहीं रहन, तो ग्रहण करे के बात ही नहीं था, मतलब अपना कहीं कि हम भाजपा खाटी कार्यकर्ता हैं, आज वो भाजपा में हैं। विश्वमित जी पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामना, या कहो ना कहो ऊर्जा जो भर रहे हैं आज के ये राजनीति में, वो एक साफ सुथरी राजनीति के बात आज हमार अपना के हुई तो शुरुआत करी थे विंध्य क्षेत्र के। ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिश तिवारी अपनों पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह चुनावी यात्रा में खास बातचीत के। विश्वामित्र जी भारत में कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है, भाजपा विकास यात्रा कह रही है, का अब यह देश में यात्रण से चुनावन का साधे की कोशिश की जा रही? नहीं ऐसा बात नहीं है। एक पार्टी का मुहिम हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अपने इस 5 साल के कार्यों का जो 4 साल काम किए उसके मुख्यमंत्री विकास यात्रा, जनता को क्या मिला हम क्या दिए और विकास यात्रा से उनको मालूम हो उसका लाभ मिले, ये उनका उद्देश्य है। भारत जोड़ो वाला उद्देश्य नहीं है उनका, जनता को काम मिले, जनता का लाभ हो, सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले, ये मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से विकास यात्रा शुरू की है। तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का क्या काम? भारत जोड़ो यात्रा, कोई भारत टूटा ही नहीं था, टूटा था 1947 में कांग्रेस के ज़माने से। अब आज उसको जोड़ दें तो हम लोग माने कि जोड़े, बाकी हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को जोड़ रहे हो तो क्या टूटा था कि जोड़ रहे हो? ये जो आप अभी एक बात कहे कि वो सत्ता पाने के लिए कांग्रेस वाले बिल्कुल लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में अच्छी है और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और डंके की चोट पर बनेगी। ये प्रोपोगंडा, वो भारत जोड़ो मध्य प्रदेश जोड़ो, ये कोई योजना नहीं है जोड़ो की। ये यात्रा आपकी यात्रा सही है कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से
सब कार्यकर्ता नेता मतदाता को जोड़ रहे हो, और हमारी सरकार मुख्यमंत्री विकास यात्रा से जोड़ रही है जनता को, ये वास्तव में उनकी संवेदनशील जो सरकार है उसका उद्देश्य है और जनता को लाभ इससे मिल रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ सुथरी बात कही गए कि ये विकास यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की इनके कार्यन के विकास के एक यात्रा है, जो से वंचित लोग जो हैं वह लाभान्वित कैसा हुए वो की तिरिया एक यात्रा है। और दूसरी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा पर अपना कहीं की 1947 में जब भारत का तोड़े के काम भर रहा था कांग्रेस के द्वारा किन गया, हालांकि अब वह कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कहो ना कहो ओकर जो भीड़ भड़कतों में बहुत रहा तो वह कैसा भीड़ का ओका को में आकलन करी थे अपना भारत जोड़ो यात्रा के अपनों दिखे खूब तस्वीर खूब सोशल मीडिया देखिए ऐसा है जी। अब मध्य प्रदेश का आदमी नागालैंड में जाएगा तो नागालैंड के लोग सोचेंगे कि वो इतनी दूर से आया है, क्या है, कैसा है, क्या दिखाएगा, क्या करेगा, तो ये देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, घूमती है, जाती है कि क्या कैसा है, लेकिन उससे लाभ क्या है। अब वो भीड़ में जा जा के कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी हम 370 हटाएंगे, मेरी सरकार बनेगी तो हम उसको ये लाभ वो लाभ, इससे सरकार नहीं बनने वाली है तिवारी जी। चलिए तो भैया अब सवाल अब चला जाए भारत से लौटा जाए मध्य प्रदेश के राजधानी से लौटा जाए अपने गृह ग्राम में नहीं आवा जाए गृह जिला में आवा जाए सीधी जिला में एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट थी सिहावल। सिहावल की यदि बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जो है बीते दौर में चुनाव जीते रहे और अपना वहाँ बतौर निर्दलीय उम्मीदवार, अब का है स्थिति, अब का तैयारी चल रही है, का चुनौती लागत थी, का आसानी लागत थी, का है सिहावल के प्रति? हमारा सिहावल के प्रति एक सेवा भावना, सिहावल विधानसभा की जनता और क्षेत्र के विकास के लिए हमारी वही भावना जो 2008 में थी और आज तक थी वही है। अब पार्टी जैसा निर्णय करेगी। नहीं, तैयारी चल रही है या फिर अभी ताके बैठे हैं टिकट का? नहीं नहीं, तैयारी चल रही है, टिकटों ताके हैं, टिकट दई पार्टी जेके दई चुनाव लड़ी और हम भारतीय जनता पार्टी का सेवक हम सेवा कर रहा हम। चलिए तो कुल मिला के जन जैसा जनता से मिले के जो कार्यक्रम है लगभग चुनाव आवत थे तो नेता नहीं कर पा रहे थे घरे से, मतलब साल भर के पहले अब तैयारी लोग कर अब शुरू कर दे थे तो अपनो निकल गए घरे से या फिर अभी घरे में बैठ के दरबार चल रही है लोगों से जान हाल चाल ले रहे? हम देखिए निरंतर अभी पहले बताओ अपना जी, हम जनता से सब दिन जुड़ा रहन और जनता के बीच में रहन और सदैव आवत जात रहन, न घरे बैठन कबो और न तो कबो जनता से दूर रहन। जनता की और क्षेत्र में आज आप जाइए जनता के पास, हर गांव में जाइए, हर वर्ग से पूछिए, मैं जनता से जुड़ा रहा, जनता की सेवा किया, क्षेत्र के विकास के लिए हरदम हम तैयार रहते हैं 24 घंटे। चलिए अब सिहावल एक जो विधानसभा है वो में कौन मुद्दा है ऐसा जोने का लेके मान लीजिए अपना का टिकट मिला था, हालांकि अभी यह भविष्य के वर्तमान सवाल है एक जवाब है टिकट के बात में, मगर हम यह पूछे थे कि अपना कौन मुद्दन का लेके यदि टिकट मिला था कौन मुद्दन का लेके चुनाव लड़ो? देखिए कनिष्क जी, बहुत अच्छा अपना ये सवाल किए। हम 2008 में विधायक बने, 2013 तक रहा, हम जितना काम मंजूर कर 4 हम पुल मंजूर करवाएं सोन नदी में, 2 गोपर नदी में, 1 महान नदी में, 2 सिमरा नदी में, बाकी पुलिया इधर के बन गई, लेकिन वो 4 पुलिया सोन नदी के 2 और 2 गोपत वाली, आज 12 साल हो गए तिवारी जी अभी पुलिया नहीं पूरी हुई। आज जो पुल की दिक्कत ये जनता हमारी उठा रही है, हम बहरी से हनुमना रोड जब मंजूर करवाए 2 लेन तभी 2 लेन पुलिया भी मंजूर करवाए, आज तक वो पुलिया नहीं बनी है और लोगों को यात्रियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। एक तो हमारा ये मुद्दा कि मेरे जमाने का मंजूर आज तक पूरा नहीं हुआ, क्या कारण है? आज ये सीधी से सिंगरौली 4 लेन मेरी मंजूर करवाई हुई और इस ये काम फाइनल नहीं हुआ, क्या कारण? आज 12 साल हो गए मंजूर करवाए, 2012 में ये चालू हुई और आज तक पूरा नहीं हुई, 23 लग गया।
हम महान परियोजना के बाहरी के 42 गांवों के लिए महान परियोजना गुलाब सागर बांध का पानी मैं 42 गांवों के लिए मंजूर करवाया, 567 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। 10 मीटर नहर अभी 10 साल बीत गए नहीं खुदी है। हमारा ये संकल्प था कि सिहावल विधानसभा के क्षेत्र के हर किसान को खेत में पानी और हर बेरोजगार के हाथ में काम, ये हमारा लक्ष्य था तिवारी जी। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हम सदैव आगे तैयार हैं। पार्टी मौका देगी हम करेंगे। 10 साल से हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी हैं, एक ठो भी कोई काम किए हों मेरा मंजूर कराया हुआ, पूर्ण करा दिए हों तो वो बताएं। 10 साल के अपने कार्यकाल में कोई इस तरह का काम वो बताएं मंजूर कराए हों। 35 साल उनके स्वर्गीय पिताजी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, कुल 45 साल हुए। 45 साल में मेरे 5 साल के कामों की आप तुलना कर लीजिए, गिनती ले लीजिए, उस तरह के काम कोई इन 45 सालों में स्वीकृत कराया गया हो तो आप बताइए। नहीं तो अपना का लागत है, सरकार तो अपना कहीं केंद्रों में है, राज्यों में है, तो काहे काम नहीं हो पा रहा है, काहे नहीं हो लगा। देखिए एक बात है तिवारी जी, हम नेतृत्व अगर करते हैं विधानसभा में तो हमें विधानसभा में मध्य प्रदेश में हर स्तर में हर विभाग में उसकी पैरवी भी करना पड़ता है जी। हम हैं नहीं भाजपा का विधायक, हम तो यहाँ विपक्ष में थे, तब भी थे, 13 से लेके आज तक विपक्ष में हैं विधायक हमारे यहाँ, कांग्रेस पार्टी का जनपद अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का, सारे पद उनके घर में हैं, पैरवी कौन करे तिवारी जी। हमने तो मंजूर करवा दिया, पैसा अलाटमेंट रखा है, आप पैरवी नहीं करोगे, ठेकेदारों को तंग करोगे, ठेकेदारों का सहयोग नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। उसको भी सहयोग करना पड़ता है, कोई ये नहीं कि वो टेंडर ले लिया तो वो गुलाम हो गया किसी का, चंदा दे उसकी सेवा करे उसके झोली में जाए तब वो काम करने पाए, ऐसे काम नहीं होता तिवारी जी। 25 साल से बाणसागर नहर खुदा पड़ा था और 25 साल से पानी नहीं गया उसमें, हम विधायक हुए सोन आरती करवाए तब पानी गया, पूरे कनपुरा में की धरती में सिंचाई चालू हुई, जब उसके लिए हम ठेकेदार का सहयोग किए काम हुआ। और उस जमाने में ठेकेदारों का अपहरण लोग करवा लेते थे, काम नहीं करने पाते थे, ये है उसका कारण। हमारी सरकार है, हमारे सांसद हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाई क्षेत्र के लिए पैरवी, हम अभी पुल जोगदा पुल के लिए हमने पैरवी किया कि इसमें यात्रियों को परेशानी हो रही है, इनको सरकार तत्काल सुविधा प्रदान करे। तो बाद में हमारे नेता लोगों को पता चला, बोले वो कुछ नहीं है, उनके कहने से सेवा शुरू हो जाएगी, फोर व्हीलर यात्री पर गाड़ियां चलने लगी, ये नहीं होने देंगे। सारे नेता हमारे घर में बिना हमारे कहने, बिना हमारे निरीक्षण के कैसे ये पुल चालू हो जाएगी, अब बताइए हम क्या जवाब दें। चलिए निश्चित तौर पर अपने के द्वारा बड़े गंभीर आरोपों लगाए गए हैं, बड़े सवाल उठाए गए हैं कि मतलब कहो ना कहो जो विधायक का जनता चुना थी बेहतरी खातिर, वो इन विधायक जो है अवरोध पैदा कर रहे हैं। अपना काब है कि वो पहले तो अपहरण कराए ले रहे हैं ठेकेदारन के, अपना काब है ठेकेदार नहीं करा लेते हैं। वो जमाने में जब से बाणसागर बांध का काम चालू हुआ, नहर का काम चालू हुआ, वो जमाने में कांग्रेस की जमाने में ठेकेदारों का अपहरण भी हो जाता था। हमारे यहाँ बिठौली से पांडे ठेकेदार थे, उनका अपहरण हो गया था तिवारी जी, ना मालूम होगा पता लगा लीजिएगा। तो ये नहीं, वो नहीं हम कह रहे हैं कि वो कराए कौन कराए, उस जमाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की बात, मतलब सरकारें के वक्त में दौरान में अपहरण ऐसा काम होता था। चलिए तो ठीक है, तो मतलब अपना कहब है कि ये वजह से विकास अवरोध भा, और निश्चित तौर पर जो बड़े पुल जो बाहरी से अपना का अमलिया जाए वाला जोड़े वाला पुल है जो हनुमना तक जाता है, बड़ा मतलब व्यस्ततम वह सड़क है, मार्ग है, वह आज अवरुद्ध पड़ा है, और शायद यदि
जब अपना के द्वारा काम मंजूर करवा वगैरह ओकर पैरवी कर ली जा तो निश्चित तौर पर इतनी समस्या के सामना जनता का ना करे पड़त। अब बात यह कि भारत इधर की युवा भारत है, कहा जाता है कि 45 से 50 प्रतिशत वोटर जो हैं 25 से लेकर 35 साल तक के हैं। वहीं तय कर ही कि इधर की या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केकर सरकार बनी के जीती के हारी, तो मतलब कुल मिला कि युवा कलई के अपना के का सोची जैसे राजनीति में एक युवन के हिस्सेदारी होती वो कलई के बड़ा उठा पटक चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। यह कहा जाता है कि भाई युवा भारत है, युवा प्रदेश है, तो युवन का मौका दिया जाए चाहिए, तो अपना का कहा मैटर नहीं। ये जो पार्टी का सिद्धांत है, हम भी चाहते हैं कैसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाए जो उत्साही हो, युवा हो, क्षेत्र के कल्याण के, जनता के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बात करे, सोचे, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और युवा तो हमारा कल का भविष्य है, आज हमारा युवा साथी है और उसके कंधे पे तो पूरा भार है। चलिए, तो मतलब चुनाव अपने लड़ब की या पुत्र के खेतर अपना टिकट मांगी लड़ा? पार्टी जो निर्णय करेगी, पिता को लड़ाएगी पिता लड़ेगा, पुत्र को लड़ाएगी पुत्र लड़ेगा। ऑप्शन खुला है? ऑप्शन खुला है। चलिए, तो अच्छी बात ही कि या एक आपसी सामंजस्य के बाद थी कि पिता पुत्र में है कि जेका मौका मिली निश्चित तौर पर वो पार्टी के सेवक के बतौर वह फील्ड में उतर ही, निश्चित तौर पर यह कांग्रेस और भाजपा की यह जो लड़ाई है वो माँ अब देखा है दिलचस्प होगी कि जीती के हारी। अब बात टिकट का लेके तो हो गए, हर मुद्दा का लेके हो गया, अब हम अपना से यह जानना चाहिए थे कि इधर की सबसे बड़ा एक मुद्दा जो चल रहा है बीते कुछ दिनों से चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार, सुने हो टीवी में दिखे हो अपना, बड़ा गंभीर विषय है कि कहो अंधविश्वास से सनातन का जोड़ा जात है, कहो पाखंड से सनातन का जोड़ा जात है, और फिर उमा बड़ी जो है आपाधापी हो थी, बड़ा लोगों में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलावा थे, का लागत है ये बागेश्वर धाम सरकार के जो में स्थिति है, जो में उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उमा अपना के का कहा? देखिए, ऐसा है, ये आज की बात नहीं है जी। चारों युगों में इसी तरह से भगवान थे और ये सनातन धर्म था और जो सनातनी थे तो भगवान की आस्था पे ही काम करते थे, वैदिक रीति नीति में काम होता था। अब मनुवादी थे उस समय पर जब इतिहास और के हमारा संविधान लिखा गया, मनुवादी सिद्धांत उस जमाने में, आज कितना परिवर्तन, आज हमारा 1947-50 में संविधान बना भारत का, कितने बार संशोधन हुआ केवल 75 साल में, तो बताइए करोड़ों लाख वर्षों से जो बनी है, हमारा जो वैदिक रीति नीति है, सनातन धर्म है, उसी के अनुसार चल रहा है। और जो हमारे बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो उनका लगाव है, ईश्वरीय है, और वास्तव में भगवान की प्रेरणा और भगवान की कृपा है, ये कोई ढपोर शंख नहीं है, और जो हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं तो वो कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, उसी की प्रेरणा है। मानी थे, भरोसा है अपना का उनके ऊपर? बिल्कुल भरोसा है, भगवान पर भरोसा हमको भी है, उनको भी है, इस पूरे संसार को है। भगवान का भरोसा जिस दिन टूट जाएगा तो संसार नहीं रहेगा। बीते दिन अब एक घटना भय उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य अपना सुने हो एक थे विवादित दोहा कलई के कहा गया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कलई के मतलब रामचरितमानस जलाबे के बाद कही गए और बहुत सारी चीज़ मतलब ये मुद्दम बात है का कहा अपना की का ये रामचरितमानस जैसा एक पवित्र ग्रंथ जैका कोनो धर्म विशेष हम कही थे कि हिंदू धर्म का उपयोग कह रहा है का कहा भाई, यह सब उचित है कि नहीं? उनके नाम से कोई प्रोपोगंडा किया होगा, ये आज से नहीं, ये चौपाई तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले से लिखे हैं, जो घर घर पढ़ी जा रही है, सब लोग जानते हैं, और इसका परिभाषा और इसका अर्थ अनर्थ लोग कर रहे हैं। उनकी ये भावना नहीं थी, ये है कि उनको इस तरह से जब तक ढोल को हम
मारेंगे नहीं तो बजेगी नहीं। कोई गंवार है हमारे घर में, कोई गंवार है प्रकृति का, मोटे दिमाग का है, उसको हम थोड़ा बताएंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इन सब बातों को लेके ये बोले होंगे कोई, ऐसी बात हम नहीं मानते। जो समझदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, इस रामचरितमानस में लेके इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। चलिए, अब रामचरित मनसा हो गया, अब बात एक और बड़े मुद्दा के कि जौने माँ अबे हाल ही में पोस्टर लगे हुए हैं अपनों सीधी रीवा सतना भोपाल जात रहे थे, जहाँ दिखे हो कि पोस्टर में नया साल नई सरकार और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भावी मुख्यमंत्री बतावा गया, यह पोस्टर के का औचित्य है यह चुनावी साल में का कहा? ये सब पार्टी के स्टैंड हैं, इसके किसी को छाप देने से और खम्भों में फोटो लगा देने से न कोई मुख्यमंत्री बनेगा न प्रधानमंत्री बनेगा। जो जनता के हृदय में बसा है, जो जनता के दिलों में वास करता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, बिजली के खम्भों में टांग दिए जाने से नहीं बनेगा। चलिए, तो कुल मिला के कोरी कल्पना है कह रहे हैं? टोटल कोरी कल्पना है। कांग्रेस की तो सरकार कभी बनी नहीं सकती। मध्य प्रदेश में तो वो तो क्या दुर्भाग्य था मध्य प्रदेश का 15 महीने का, कि जो 15 महीने हमारी सरकार 15 साल पीछे हो गई भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो 24 घंटे में 20 घंटे जनता के लिए प्रदेश के लिए मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, उस व्यक्ति की सेवा भावना में ये जो 15 महीने का गैप आया, ये हम लोगों को मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे ले गया। चलिए, तो अपना पचन खरीद फरोख करें, अपना पचन के ऊपर आरोप लात है भाजपा के ऊपर की खरीद है अपना पचन विधायकन का। देखिए, एक हमारे बघेल खंडी में कहावत है, तय राणी मैं राणी, हम तो उसको गाली देंगे तो वो हमको भी गाली देगा, ये वाली भावना है कि हम उसको चोर बोले तो हमको महा चोर बोल रहा है, ये कोई बात थोड़ी है। आप चलिए क्षेत्र में, चलिए गांव में, चलिए लोगों से मिलिए, लोगों की हमारी सरकार की योजना देखिए, बेचारे बेघर घर पा रहे हैं, खाने को पा रहे हैं, सब कुछ पैदा होते से उनका भ्रूण शुरू हुआ तब से उनको हमारी सरकार सोच रही है, केयर कर रही है, उनकी व्यवस्था कर रही है और अंत्येष्टि तक की व्यवस्था कर रही है। आज बताइए कौन सरकार इतनी व्यवस्था की है, कभी उसकी सोच नहीं रही है। कांग्रेस के भी तो प्रधानमंत्री थे लगातार, मुख्यमंत्री थे लगातार, क्या ये सुविधा नहीं दे सकते थे? तो आज जनता के जनमानस में, हर जनता के दिल में जो बसा है वही मुख्यमंत्री होगा और वही नेता होगा प्रदेश का। चलिए, अब अपना से फटाफट राउंड सवाल हम ले लागे कि अपना के सिहावल विधानसभा में स्वास्थ्य शिक्षा और कानून व्यवस्था में अपना 10 में कितने नंबर दे, है ना? तो पहले अपना स्वास्थ्य सुविधा का लेके हमको बताइए कि 10 में कितना नंबर दिए थे अपना। देखिए, अब मजबूरी ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएँ मुहैया है, सारी व्यवस्थाएँ हर क्षेत्र में दी गई हैं, लेकिन जो लोकल नेतृत्व है उसके कारण वो सुविधा किसी जनता जनार्दन को नहीं मिल पा रही है। इससे हमें बड़ा खेद भी है, दुख भी है कि वो लाभ मध्य प्रदेश शासन की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब ग्रामीणों तक, वहाँ अंचलों तक है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता जनार्दन को, इसका हमें बड़ा कई नंबर देव 10 में। अब 0 नंबर देव, जब दुख है तो हम कहाँ देव हमें नंबर, इक्का नंबर लाइक नहीं है, इक्का नंबर लाइक नहीं है, मतलब टिटनेस के इंजेक्शनों पर नहीं लागे, नहीं अरे ये कौनो लागा वाह, 10 रुपया से केहू के चूस के ले ले और टिटनेस के इंजेक्शन लगवा दे लोकल नेता, तो कौनो काम है ये, तो मतलब कौनो में के स्वास्थ्य सुविधा से अपना स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन वही नगण्य है जो दौड़ा पाया नहीं गया नहीं पाया। चलिए, शिक्षा को लेके का काम, शिक्षा को लेके 10 में का नंबर, 10 में 5 नंबर दे, 5 नंबर दे, का सुधार करे चाहब? सुधार करे चाहब बहरी में कॉलेज, बहरी में आईटीआई विद्यालय, सिहावल विधानसभा में
ये सुविधा नहीं है। हमारे बहरी में अस्पताल 100 बेड का हम स्वीकृत कराए रहन, मांग करे रहन, स्वीकृत रहा, लेकिन 10 साल से क्यों पहल नहीं की तो बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री जी 13 बेड के वहाँ अस्पताल बन गए। आज सबके हु की दवाई नहीं तो जैसे अपना विधायक नहीं आया है तो अपना की सुनतो नहीं है का मुख्यमंत्री नहीं हमार मुख्यमंत्री कहता ही नहीं है ना नहीं हम कही था लेकिन हमार मुख्य विधायक जी अरे क्षेत्रीय नेता होकर विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा है ये सुविधा वहाँ हो इसका ये औचित्य नहीं है जो विधायक जी बोल रहे हैं। अब पुल से 4-व्हीलर गाड़ी निकले ये हमने पहल किया तो क्या गलत किया तिवारी जी? हमारी जनता 2 महीने से परेशान है, उधर से गाड़ी छोड़ के आए फिर इधर गाड़ी ले, बीच में बिचौलियों से सामना करे, पैसा अपना ज़्यादा दे, बाल बच्चे लेके परेशान है विकलांग, ये सारी समस्या आज 3 महीने से कोई देखा? हम 4 बार उसके लिए संघर्ष किए, MPRDC, PWD, जिला प्रशासन, खंड प्रशासन सबसे बात किए, आज तक में जाके टेस्टिंग हुई, अब टेस्टिंग के बाद भी कोई खुलवाने वाला नहीं है। अब हम जाएंगे फिर से आग्रह करेंगे भाई खुलवा दो आप, कम से कम 4 व्हीलर तो चलने लगे, यात्री तो जाने लगे। कानून व्यवस्था के लेके 10 में कितना नंबर दे? 10 में कानून व्यवस्था सियावल विधानसभा में 8 नंबर दे संतुष्ट है। अब 8 नंबर में अगर अपना संतुष्ट हुई तो है, नहीं तो मतलब अपना का 10 चाहिए तब संतुष्ट हो, 10 में 10 चाहिए तब तो संतुष्ट, 8 है कमी कहाँ थे? कमी भाई लोकल नेतृत्व, उसको बैठ दो उसको छोड़ दो, जब तक ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कानून व्यवस्था निष्पक्ष काम नहीं करेगा तो निष्पक्षता सामने नहीं आएगी तो सही न्याय किसी को नहीं मिलेगा। मतलब लोकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है लोकल जनप्रतिनिधि के? बहुत ज़्यादा है, मतलब दुखी था ने ये बात से? हाँ तो भाई लोकल जब गलत इन्वॉल्वमेंट हुई तो दुखी पूरी जनता हुई, अब जनता दुखी हुई तो हम दुखी हैं। नहीं मतलब अपना तक शिकायत आई ये बात के? हाँ शिकायत आवत रहती होकर निदान करत होत रहा था, लेकिन अभी एक जगह जगह बात बात में शिकायत, बात बात में अन्याय, कितना उसके लिए कौन साफ साफ तो करने वाला कोई पहुंच नहीं पाता। अब गंदगी करने वाला गंदगी कर देगा एक जगह, कोई क्या कर लेगा? चलिए तब हालांकि प्रमुख सवाल हम ले लिए हैं और जो ना माँ एक युवन से जुड़ा हम सवाल अपना से विधायक जी से पूछो, पूर्व विधायक जी से कि कोरेक्स सिहावल विधानसभा का गढ़ कहा जाता, मतलब सप्लाई के गढ़ बना है, हनुमाना से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, यूपी के अन्यत्र स्थानन से आ रहा है, कुछ सिगरौली से आ रहा है, कुल मिला के अपनों को जानकारी हुई कोरेक्स युवन में कितना प्रचलन है, पूरी तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, चंद मुनाफा खातिर कुछ रोजगारी व्यापारी एक भविष्य का बर्बाद कह रहे हैं, तबाह कह रहे हैं, तो अपना क्या लागत है यह कोरेक्स के जो अवैध व्यापार के गढ़ बना है सिहावल ओकर वजह का है? देखिए वजह ओकर ही है, जन जागरण बिल्कुल कम है और बदनाम करने के लिए हमारे सिहावल के युवाओं को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आखिर ये कहीं किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है? दवाई बन रही है, कहाँ बन रही है? बम्बई में, दिल्ली में, और वो दवाई सप्लाई हो रही है। अब जो कोई उसको नहीं जानता, बच्चों को गुमराह करके ये बहुत अच्छी चीज़ है इसको खाओ इसको पियो, तो अब जो जान नहीं रहा है उसके संबंध में कोई अनभिज्ञ है तो क्या करेगा? इसके लिए ज़रूरी है जन जागरण, नशा नाश का जड़ है ये, जब तक हम लोगों में युवाओं में इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हर क्षेत्र ऐसे ही रहेगा। ये को करी प्रचार प्रसार? प्रचार प्रसार हम सब आप समाज के लोग करेंगे, ये जितना सामाजिक समाज है जी। जितना हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको हमको आगे आना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, नशा नाश का जड़ है,
इसको लेने से पीने से खाने से नुकसान है, भविष्य अंधकार में है, जब तक ये सोच नहीं आएगी तिवारी। ना यह बताइए कि जैसा जो बॉर्डर में चेक पोस्ट बने हैं, चौकी बने हैं, थाना बने हैं, ये क्या करत है? चलिए ठीक है, यह आखिर माल उत्तर प्रदेश से जैसा अपना कहें दिल्ली में बना था, तो दिल्ली से यहाँ आए कैसा पावत है? इतनी भारी तादाद में कि ओकर नशे में दवाई का सीधे नशा में उपयोग करे लागे लोग। देखिए अब ये कैसे आता है हम तो इसके संबंध में जानते नहीं, लेकिन अब यही है कि वहाँ बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर से घुस आते हैं आतंकवादी। कहाँ से घुस आते हैं? तार लगा है, पुलिस का पहरा है, लेकिन घुस आ रहे हैं। ऐसे है ये धंधा करने वाले हमारे इस देश के, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, वो ऐसी साजिश करने वाली हस्तियां हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी जो इस तरह से काम कर रहे करवा रहे हैं। अब इसके संबंध में तो अधिक हमको नहीं देखे खीतर, कुछ प्रयास करब अपना कि या युवा पीढ़ी बची रहे, इनका एक सुखमय भविष्य हो, ओके खीतर कुछ प्रयास करब अपना के। बिल्कुल हम प्रयासरत हैं और प्रयास भी करेंगे, जन जागरण करेंगे, युवा पीढ़ी को, वृद्ध पीढ़ी को और जो हमारे सहभागी हैं सबको समझाएंगे, बताएंगे कि ये गलत बात है, इसमें रोक लगनी चाहिए, इस तरह का कोई सप्लाई करता है उसको रोकना चाहिए। चलिए अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हुई 2023 के लागत है या फिर बदलाव हुई? बिल्कुल बदलाव न हुई, शिवराज सिंह चौहान से अच्छा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के लिए जीता हो, जो मध्य प्रदेश के जनता के कुशल क्षेम के लिए 24 घंटे 20 घंटे निरंतर रहता हो, इसके अलावा कौन है? आप बताइए ना, आप किसी का नाम बता दीजिए जानते हो तो। चलिए तो निश्चित तौर पर अपना के द्वारा एक बड़ी बात कही गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ा जी, और निश्चित तौर पर समस्या के हमारो अपना के द्वारा बतावागा, कुछ पुरान काम बताए गए जो उन्हें अपने के द्वारा दावा कीनगा कि हमारे पास खराबा प्रोजेक्ट रहा लेकिन वहाँ पैरवी न हो के चलते वो काम आज तक रुके हैं, आज तक पूर्ण नहीं हुए, जैसे जनता का तरह तरह के समस्या का सामना करे के पड़ता है। हालांकि अब पूरा विधानसभा चुनावी मोड में आ गया है और ये समय बड़ा नए नए उम्मीदवार अपने के यहाँ आए रहे हैं, बहुत लड़ाइया आए रहे हैं, मतलब भाजपा में जितनी लिस्ट हम कहलाते सियावल में ही उतना कौन विधानसभा में नहीं आया, दिखे ना अपना? नहीं नहीं संत नहीं है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। कोई आया हो तो आप बताइए। नहीं हम तो अब देखी थे कि कई एक जने ऐसा देखे हो, किसी का नाम बताइए तुम बताए। पोस्टर है बैनर से अब अपने कही थे खंभा में लगा। देखिए हमारे यहाँ यह सिंगरौली जिला है, कोई हमारे क्षेत्र के बम्बई में है, कोई सिंगरौली में है, कोई दिल्ली में है, आ रहे हैं अपना कुशल क्षेम, अपने जनता जनार्दन को नए वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, तो क्या वो प्रत्याशी थोड़ी हैं? वो तो अपना जनता के दिलों में। नहीं तो दावेदारी तो कह रहे हैं। कहाँ दावेदारी, कोई नहीं कर रहा भाई, अभी हम ही नहीं दावेदारी कर रहे हैं। तो वो कहाँ से करी है? वो कहाँ से करी, सवाल ही नहीं उठे। चलिए निश्चित तौर पर हालांकि अब बहुत पहले नहीं है, बिल्कुल अब तक चुनावी आगाज हो चुका है, मध्य प्रदेश सरकार तक कब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए। भाजपा तो ये कहा थी कि हम कब वो चुनावी मोड से हटते ही नहीं हैं, 10 दिन बाद यदि कोनो चुनाव होते तो वो काम चुनावी प्रक्रिया में ले ही थे, और यह भाजपा के रीति नीति और सिद्धांत के जब बात आवत थी तो भाजपा अपने आप का हमेशा चुनावी मोड में रखा थी। हालांकि आज बड़ी लंबी बातचीत भय यह चुनावी यात्रा में पूर्व विधायक और एक कहा जाए कि प्रबल दावेदार सिहावल विधानसभा के उम्मीदवारी के रूप में विश्वमित पाठक जी से, जिनके द्वारा हर सवालन के बेवाकी से जवाब देंगा, उनके द्वारा यह कहा गया, आशा जताई गई कि यदि जनता उनका मौका दे थी तो निश्चित तौर पर अधूरे पड़े कई एक काम वो का पूर्ण करावा जी, और निश्चित तौर पर जनता की बेहतरी के खातिर कुछ काम बेहतर कीजिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।